सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल ईशा टेस्ट डिजाइनर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दिस ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी नेक डिजाइनिंग। एंड गाइज, इस कुर्ती के बॉटम में भी आप देख सकते हैं मैंने डिफरेंट लुक दिया है। और अगर आप इस नेक डिजाइन को या इस कुर्ती को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए। एंड गाइज, मैंने इसी तरह के और भी पार्टी वेयर ड्रेसेस या फिर वेलवेट ड्रेसेस और या फिर मिडी ड्रेसेस की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसी तरह के न्यू डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड गाइज, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अदरवाइज आप मुझे इंस्टा पर जाकर सिंपली सर्च कर सकते हैं ईशा ड्रेस डिजाइनर के नाम से। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिजाइन इट। सो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। एंड इसको मैंने इस तरीके से फोरफोल्ड कर लिया है। यू कैन सी दिस इज़ द फोरफोल्डेड फैब्रिक हियर। फोरफोल्ड करने के बाद जो मेरे फैब्रिक की विड्थ है वो 10.5 इंचेस है। एंड इसके बाद गाइज, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती की लेंथ रख सकते हैं। एंड अब हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो शोल्डर के लिए मैंने 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड देन मैं यहाँ पर आर्म होल के लिए भी 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी। एंड देन हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो चेस्ट की मार्किंग के लिए हम अपनी चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, देन उसमें प्लस 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर लेंगे। एंड देन इसके बाद हम अपनी वेस्ट के लिए 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड ऊपर की साइड से हम इस तरीके से 21 इंचेस पर डाउन वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे, यू कैन सी। एंड हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। सो ये मैंने अपने बैक और फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी है। एंड इसके बाद हम अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और प्लस उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए इस तरीके से मार्क कर लेंगे। देन हम अपनी डाउन वेस्ट की मार्किंग भी इसी तरीके से कर लेंगे और इन तीनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला लेंगे। एंड गाइज, दिस इज़ माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज़ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। एंड इसके बाद अब हम अपने 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन कर लेंगे, यू कैन सी। सो अब हम अपनी इस मार्किंग को कट कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर हमें अपनी सिर्फ बैक मार्किंग को ही कट करना है। सो इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। एंड कट करने के बाद जो ये हमारी फोल्डेड साइड है इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। सो यहाँ से मैंने ये फोल्डेड साइड को भी कट कर लिया है। एंड देन बॉटम में भी हम अपनी ये फैब्रिक को स्ट्रेट कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो चुकी है। एंड इसके बाद अब हम अपने पार्ट्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम इसमें से अपना बैक पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है, यू कैन सी। एंड अब हम दोबारा से इस तरीके से अपने फ्रंट पार्ट को फोल्ड कर लेंगे। एंड देन हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को भी कट कर लेंगे। एंड इसके बाद हम अपनी नेक डिज़ाइनिंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने वेस्टिंग पेपर को अपनी फैब्रिक पर चिपका लिया है। एंड इसके बाद ये जो हमारी लेंथ है हमारे फैब्रिक की वो 11 इंचेस है एंड जो विड्थ है वो 14.5 इंचेस है। सो फर्स्ट हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, यू कैन सी। सो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। एंड हम जो यहाँ पर अपने नेक विड्थ रखेंगे वो 3.5 इंचेस रखेंगे। एंड इसके बाद जो हमारे नेक की डेप्थ रहेगी वो यहाँ पर मैं 4 इंचेस पर रखूँगी। इस तरह से हम अपने फर्स्ट नेक टिप जो रखेंगे वो 4 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड देन हम वी शेप में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। एंड इसके बाद 5 इंचेस पर नीचे की साइड इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। सो मैं सेंटर पे इस तरीके से 5 इंचेस पर मार्क करने के बाद इस तरह से लीफ की शेप दे दूंगी। सो इस तरह से हम यहाँ पर ये हमारी 5 इंचेस थी। सो इस तरीके से हम इधर साइड भी 5 इंचेस पर मार्क कर लेंगे, यू कैन सी। एंड यहाँ पर भी हम लीफ की शेप में इस तरीके से अपने नेक की डिजाइनिंग कम्प्लीट कर लेंगे। सो इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। एंड इस तरह से टैप टैप करते हुए दूसरी साइड भी ये हमारा नेक बन जाएगा और इस सभी मार्किंग को हम डार्क कर लेंगे। सो इस तरीके से मैंने ये अपने नेक की डिज़ाइनिंग को डार्क कर लिया है, यू कैन सी। सो ये हमारा नेक डिज़ाइन बन गया है। एंड इसके बाद अब हम अपने इस फैब्रिक को अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। सो यहाँ पर ये हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है। एंड देन इस तरीके से हमें अपनी डिज़ाइनिंग पर ही ये 1 फुट की स्टिचिंग दे देनी है। सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो स्टिच करने के बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से कट कर लेंगे। एंड गाइज, यहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुली इसको कट करना है, हमारी स्टिचिंग पर ये कट नहीं लगने चाहिए। तो इस तरह तरीके से हमें स्मॉल कट्स लगा लेने हैं। एंड देन इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर आपको इसको टर्न करने के बाद दिखाती हूँ। सो ये इस तरीके से मैंने इसको टर्न कर लिया है, यू कैन सी। एंड यहाँ पे गाइज, हम इस तरीके से ये नेट का फैब्रिक लेंगे और इसको इस तरीके से हम रख लेंगे।
एंड जिस शेप में ये हमारा नेक डिज़ाइन था उसको इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। एंड सेंटर में ये हम अपना फैब्रिक यूज़ करेंगे और इसको भी हम इस तरीके से रख लेंगे और स्टिच कर लेंगे। सो ये मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो स्टिच करने के बाद जो हमारे ये एक्स्ट्रा नेट फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। एंड गाइज इस डिज़ाइन को आप अपने अनारकली ड्रेसेस या फिर ब्लाउज या फिर कुर्ती किसी में भी बना सकते हैं और ये सिंपली बन जाता है। एंड इस तरीके से हम अंदर की साइड इस फैब्रिक को नीडल के हेल्प से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारा नेक डिज़ाइन बन गया है। एंड जो हमारा बैक पार्ट था इसके भी नेक को मैंने स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो ये 2 इंचेस के अबाउट ही मैंने अपने नेक को रखा है, बैक नेक को। एंड इस तरीके से हमें शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए इस तरीके से अपनी शोल्डर को स्टिच कर लेना है फ्रंट पार्ट के साथ। एंड देन हमें अपनी कुर्ती की साइड की फिटिंग भी लगा लेनी है इस तरीके से। एंड साइड की फिटिंग लगाने के बाद हमें इस तरीके से अपनी साइड को भी स्टिच कर लेना है सिंपली। सो इस तरीके से मैं अपनी साइड को भी स्टिच कर लूँगी। सो इस तरीके से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको स्टिच कर लिया है। एंड अब हम अपने बॉटम पार्ट की डिज़ाइनिंग करेंगे। सो इसके लिए मैंने इस तरीके से पहले इसको रख लेना है। एंड यहाँ पर ये मैंने 4 इंचेस चौड़ी ये मैंने यहाँ पर ये नेट की स्ट्रिप ली है, यू कैन सी 4 इंचेस। सो इसको इस तरीके से हमें अपने बॉटम पार्ट पर इस तरीके से इसको स्टिच कर लेना है, यू कैन सी। यहाँ पर मैं आपको रख के बता देती हूँ, इस तरीके से हमें स्टिच करना है। एंड देन इसको इस तरीके से पलट देना है। एंड यहाँ पर ये मैं 6.5 इंचेस चौड़ी ये पट्टी लूँगी अपने फैब्रिक की, जिसको इस तरीके से हमें 2 फोल्ड करना है। एंड देन हमें नेट पर स्टिच कर लेना है। सो यहाँ मैं इसको स्टिच करने के बाद आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पर ये मैंने इसको इस तरीके से स्टिच कर लिया है। एंड गाइज ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपका फैब्रिक कम पड़ जाता है तो आप इस तरीके से अपनी कुर्ती को लॉन्ग कर सकते हैं एंड पीछे बैक साइड पर हुक लगा सकते हैं। सो अब हम अपनी नेक की एम्ब्रॉयडरी करेंगे। सो इस तरीके से हमें फर्स्ट अपने नेक पर फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। जिस शेप में हमारा नेक है उसी शेप में हमें इस तरीके से अपनी ग्लू को लगा लेना है। एंड देन हमने यहाँ पर ये वाइट स्टोन का यूज़ किया है। सो इसको सिंपली हमें अपने नेक पर लगा लेना है। एंड गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर स्टोन ही यूज़ करने हैं, आप चाहें तो यहाँ पर बीट्स का यूज़ करते हुए भी अपनी निडल की हेल्प से लगा सकते हैं। एंड अदरवाइज आप कोई भी मिरर लगा सकते हैं या फिर आप लेस का भी यूज़ करके इस नेक डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये स्टोन का यूज़ किया है। सो इस तरीके से ये मैंने इसको लगा लिया है। अब हम अपनी जो स्टोन है इसको वन बाय वन इस तरीके से अपनी कुर्ती पर नीचे की साइड तक पूरे में इस तरीके से लगा लेना है। एंड गाइज अब हम अपनी स्लीव्स की बात कर लेते हैं। सो स्लीव्स को मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है। एंड गाइज स्लीव्स की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में आपको बताई हुई हैं। सो यहाँ पर ये मैंने अपनी स्लीव्स की जो लेंथ ली है वो 26 इंचेस ली है। सो इस तरीके से बॉटम में हम अपनी स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। एंड देन मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर के स्टोन का यूज़ करूँगी, बिकॉज हमारी जो कुर्ती है वो ग्रीन कलर की है। सो उससे मैच करने के लिए मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर की स्टोन का यूज़ करूँगी। एंड गाइज आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन कलर की नेट का यूज़ करके भी अपनी स्लीव्स को बना सकते हैं, बट गाइज मुझे यहाँ पर वाइट स्लीव्स ही चाहिए थी। सो इसके लिए मैं इस तरीके से अपनी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन स्टोन को 1x1 इस तरीके से अपनी स्लीव्स पर लगा लूँगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये अपनी स्लीव्स और स्टोन लगा लिए हैं। एंड स्टोन सूखने के बाद हमें इस तरीके से अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए अपनी साइड की स्टिचिंग लगा लेनी है। सो इस तरीके से ये हमारा नेक भी रेडी हो चुका है। एंड जो हमारी कुर्ती पर स्टोन लगाए थे वो भी हमारे यहाँ पर सूख चुके हैं। सो कुछ इस तरीके से ये हमारे नेक का लुक आया है। एंड इसके बाद ये हमारी स्लीव्स भी रेडी हो चुकी हैं। तो
सो इट्स टाइम टू अटैच द स्लीव्स विद कुर्ती। सो इस तरीके से हमें अपनी स्लीव्स को रख लेना है और सिंपली हमें अपनी कुर्ती पर इन स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो मैं यहाँ पर आपको स्टिच करने के बाद दिखा देती हूँ। सो ये हमारी कुर्ती कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है और ये कुछ इस तरह से ये हमारी नेक का डिज़ाइन आया है। सो गाइज़ ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। अगर आप इसी तरह के और भी डिज़ाइन देखना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गाइज मैंने और भी पार्टी वेयर ड्रेसेस की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।